नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का कन्नौज में विरोध शुरू हो गया है। यह विरोध फिल्म में राजा जयचंद्र के गद्दार वाले किरदार को लेकर है। विरोध की रणनीति बनाने के लिए आज यहां के म्यूजियम में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कान्यकुब्ज शिक्षा एवं समाज सेवा समिति का कहना है कि कानूनी लड़ाई से लेकर सड़क तक सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का विरोध किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि हमें पूरी फिल्म से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह कन्नौज पर फिल्म में गद्दारी का दाग लगाया गया है, उसे फिल्म से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हर स्तर से फिल्म का विरोध करेंगे। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। आज किस तरीके की आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, किस तरीके का पृथ्वीराज, ये सम्राट पृथ्वीराज के जो फिल्म आई है उसमें कन्नौज के महाराजा सम्राट जयचंद की जो खलनायक के रूप में भूमिका दिखाई गई है वो हम कन्नौज वासियों को बर्दाश्त नहीं। महाराजा जयचंद वीर और साहसी थे, उन्होंने राजसूर यज्ञ किया था। अगर सच में पूछा जाए तो पृथ्वीराज की एक गलती से हम 800 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे, और उसके बाद पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है वो उनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि क्या लिखेगा कि प्रथम दृष्टा देखा जाए राजा का धर्म त्याग बलिदान राष्ट्र सर्वोपरि। पृथ्वीराज ने बहुत बड़ी गलती की। जानते जब किसी बेटी किसी राजा की बेटी का अपहरण कर लेंगे, पहले से वो शादीशुदा थे, उसके बाद क्या होगा, आपस में लड़ाई होगी दोनों राज्यों में, उसका कोई फायदा तीसरा उठाएगा। ये जो फिल्म है वो बिल्कुल झूठी है। पृथ्वीराज रासों पर काल्पनिक पिक्चर है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम कन्नौज के लोग हैं, अपनी मिट्टी, हमारी भावनाओं को ठेस लगी है, हम अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। आगे भी हमारा सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रहेगा, क्योंकि हम अन्याय नहीं सहेंगे। महाराज जयचंद प्रतापी राजा थे, वो लड़ते लड़ते अपनी मातृभूमि रक्षा के लिए वीरगत को प्राप्त। मूवी के लिए प्रमुख मांग क्या रहेगी? इस मूवी में जो कन्नौज का दिखाया गया उसे हटाया जाए। पिक्चर से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो कन्नौज पे दाग लगाया गया, कन्नौज का अपमान हुआ, कन्नौज का अपमान है तो हम सब लोगों का अपमान है। हमें मूवी से कोई एतराज नहीं है, हम कन्नौज के राजा का जो अपमान किया गया, कन्नौज की धरती अपमानित और गद्दार दिखाई गई, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये कन्नौज वीरों की कर्म भूमि है, ये दानियों की हर्ष जैसे दानियों की कर्म भूमि। आज कन्नौज के लोग आए हैं, रणनीति तैयार हो रही है, अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, लेकिन हजारों संख्या में नौजवान हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये सहयोग करेंगे, और जैसा हमारे बुजुर्ग और साहित्यकार और लोग कन्नौज के। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।